बैंकों के एटीएम कार्ड्स की क्लोनिंग कर चीटिंग करने वाले गिरोह को चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने दबोचने में कामयाबी हासिल कर ली है। पकड़े गए दो आरोपी विदेशी हैं और यहां टूरिस्ट वीजा पर आए हुए थे। माइकले लेसियन लोनाट और प्रास्टीव जॉर्ज एरेंद्र रोमानिया के रहने वाले हैं। इनके विषय में जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच एसपी रवि कुमार ने बताया कि शहर के विभिन्न बैंकों की एटीएम मशीनों पर स्कीमर और स्पाई कैमरा की मदद से एटीएम कार्ड क्लोनिंग की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें से एक सेक्टर 17 और दूसरी मनीमाजरा से आई थी। इन शिकायतों के बाद क्राइम ब्रांच हरकत में आई और सोर्सेस से मिली जानकारी के बाद जाल बिछाया गया, जिसके बाद इन दोनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से दबोच लिया। एसपी ने बताया कि ये लोग एटीएम्स में लगे सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए अलग अलग तरह की टोपियां पहनते थे और एटीएम की मशीनों पर स्कीमर और स्पाई कैमरा लगाकर यहां से दिल्ली भाग जाते थे। उसके दो या तीन दिन के बाद ये लोग इन स्कीमर और स्पाई कैमरास को यहां से हटाकर डाटा इकट्ठा करते थे, लेकिन ये दोनों आरोपी इस डाटा और क्लोनिंग कार्ड का प्रयोग अपने देश जाकर करना चाहते थे ताकि वहां से डाटा और क्लोनिंग की भनक ना लग सके और यह फ्रॉड कर सके, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। पीछे कोई यहाँ पे आके रुकना शुरू हुआ है क्या? तो उसमें हमें पता चला कि दो रोमानियन जो हैं आके रुके हुए हैं यहाँ पे, पीछे 2 तारीख को रुके थे चंडीगढ़ में। तो उन लोगों से फिर आगे लीड डेवलप की और फाइनली इन लोगों को हम लोगों ने दिल्ली से अरेस्ट किया है। तो ये दो लोग हैं और एक 3 जुलाई को दिल्ली पे लैंड किया है, दूसरा जो है 10 जुलाई को आया है। तो इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये रहता है कि अपना कार्ड का जो भी डेटा है, जो भी कलेक्ट होता है एट द एंड ऑफ द डे और 2-3 दिन में, ये लोग इसको लेके चले जाते हैं वापस और जाके वहाँ पे इसकी या तो क्लोनिंग करेंगे, इंटरनेशनली यूज़ करेंगे, या इसको आगे जैसे वेबसाइट्स होती हैं डार्क नेट पे कई सारी, तो वहाँ पे आपका डेटा ये सेल कर देते हैं फॉर सम कंसिडरेशन। तो अभी तक तो ये आया था कि ये डेटा इंडिया में यूज़ नहीं करने वाले थे, ये लोग जाते हैं इसका इंटरनेशनल यूज़ करते। बाकी 37 साल के हैं ये दोनों, अभी थोड़ा ट्रांसलेशन में और बात करने में दिक्कत आ रही है, पर अभी तक ये है कि इंडिया ये पहली बार आए हैं अकॉर्डिंग टू देयर पासपोर्ट। और वीज़ा जो था इनका टूरिस्ट वीज़ा था और 2 से 7 तारीख तक ये लोग चंडीगढ़ में 2 से 5 रहे हैं, फिर उसके बाद 2 दिन फिर दिल्ली गए हैं, फिर 7 तारीख को फिर आए हैं अपना यहाँ पर डेटा कलेक्ट करने के लिए, पर इन्होंने देखा कि ATM में कुछ बचा नहीं है तो ये लोग उसी दिन फिर निकल गए। फिर हम लोगों की टीम जो है इनको 10 तारीख को दिल्ली से इनको लेके आई है। बाकी इनका जो पूरा ग्रुप है अभी जो समझ में आ रहा है और जो बाकी पुलिस से हमारा चल रहा है कोऑर्डिनेशन, कि और भी लोग हैं जो ऑन द रन हैं और इंडिया को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि इंडिया अब जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन में और कार्ड वाइज जो है काफ़ी मैच्योर इकोनॉमी हो गई है। तो इस तरह से इनका ये जो है मॉडस ऑपरेंडी था। उन्होंने बताया कि ये लोग आउटडेटेड ATM पर स्कीमर और स्पाई कैमरास का प्रयोग करते थे, जिनमें से एक कैनरा बैंक भी शामिल है। इसलिए पुलिस ने इन बैंकों के कार्ड धारकों से अपील की है कि वह अपने कार्ड का पिन चेंज कर लें। कैनरा बैंक के वो ATMs इन्होंने टारगेट किए बेसिकली जो थोड़े से पुराने मॉडल के हैं। इन ATMs में कीबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा कर्व है जिसके अंदर कैमरा फिट हो जाता है, तो टेप से उसके नीचे लगा देते हैं। प्लस जो इनकी जो कार्ड स्वाइप जहाँ पे हम लोग डालते हैं, अभी आजकल क्या है कि कार्ड टच करने की भी मशीन आ गई हैं कि उसमें स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो ये जो पर्टिकुलर ATMs हैं इनमें कार्ड स्वाइप वाला जो स्लॉट है वहाँ पे जगह है एक और कैमरा फिट करने की, तो वहाँ पे जो है वो स्कैनर है वो स्कैन कर लेता है वो जो कैमरा है, और उसके जो कीबोर्ड है वहाँ वाले कैमरे से ये लोग उसको क्या बोलते हैं की पिन जो आप डालते हैं उसको नोट कर लेते हैं। बाकी कुछ जगहों पे ऊपर लगाने की भी कोशिश करते हैं ये लोग कि अगर व्यू ठीक आ रहा है तो ऊपर कैमरा लगा देते हैं ठीक आपके कीबोर्ड के ऊपर। तो इसके लिए थोड़ा सा जो हम लोगों का प्रिकॉशन है, जो बैंक्स भी आइटनरी देती हैं कि भाई अपना हाथ रख लें जब भी पिन एंटर करें, तो वो चीज़ ठीक है, छोड़ के चले जाते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी डेटा उसमें कलेक्ट होगा ये लोग आएंगे और वो पूरा का पूरा उठा के फिर चले जाएंगे। 2 चीज़ें हैं ये ATM में देखते हैं, एक तो गार्ड नहीं है, अनगार्डेड है, दूसरा कि पुराने ATMs हैं जिसमें इनकी ये जो कैमरेज हैं फिट करने की जगह है अनडिटेक्टेड, कि कोई जो है उसके नीचे देखने की कोशिश नहीं करता है, या फिर जो है कार्ड आप डालते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि वहाँ पे मैकेनिज्म कुछ लगा है कि नहीं लगा है, यू जस्ट स्वाइप इन योर कार्ड। जैसे 5 तारीख को था उसके बाद 7 तारीख को आए, तो इन्होंने जब एक ATM चेक किया तो देखा कि वहाँ पे नहीं है, तो दैट मीन्स कि डिटेक्ट हो चुका है, तो उसके बाद ही उसी दिन निकल गए। और CCTV फुटेज से इनकी मैच कर गई है। ये लोग क्या करते हैं, इनके पास से कैप्स बरामद हुई हैं, एक के पास से विग हुई है, एक कम्प्लीटली बॉल्ड है, तो विग पहन के कभी कैमरा वो कैप पहन के
और अपना हुलिया बदल बदल के अलग अलग ATMs में गए हैं। तो ये जो चार वारदातें हैं ये इनका हैंडी वर्क है, ये हमने इस्टेब्लिश कर लिया है। बाकी जो मशीन्स हैं ये ऑलरेडी कैनरा बैंक ने डेट करके FIR के टाइम दे दी थी हम लोगों को।